What's up guys, मैं हिमांशु, वेलकम यूट्यूब चैनल मर्करी व्लॉग्स। तो आज हम भी का हमारा डे थ्री है टॉर का और हम आए हैं म्यूजियम। ये रहा म्यूजियम, सो हम जाते हैं अंदर एंड हम आज और भी चीज़ देखेंगे, नॉट ओनली वन थिंग। जैसे हमने पिछली बार डैम देखा था, उससे पहले हमने दो जगह देखी थी, मंदिर, दोनों मंदिर थे। और अब यहाँ जाएंगे हम लोग म्यूजियम में, देखते क्या क्या म्यूजियम में है। एंड आई होप ये कैमरा अलाउड अंदर। लेट मी टेक द टिकट। सो गाइज, अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, सो आई विल बी टेकिंग स्नैप्स एंड शोइंग इन दिस क्या क्या है यहाँ पे वो सब कुछ। म्यूजियम हो चुका है, लेट्स सी। हम प्लान करते हैं लंच पे जाए या फिर एक और साइट कवर कर ले, हमारी भूख पे डिपेंड है। सो हम बहुत ही बढ़िया लंच करके बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्री होके खा पी के आ रहे हैं क्वींस बात पे। ये एंट्रेंस है बाय द वे, दैट्स द एंट्रेंस, बट विल सी फ्रॉम अबव की है क्या। अंडरग्राउंड चेंबर, लेट्स गो अंडरग्राउंड। On the flash and I'll continue then. Flash na helpful to me. Let's see. Okay, हम यहाँ से आए थे और वहाँ से गए थे। I just came from here. जब मैं एंटर किया इस जगह से ये मुझे दिखाई नहीं, सब मैं पूरा घूम के आया हूँ। That's it. This is the entrance. मैं घुसता है
टेंपल में। I'll tell you a fact about this place. ये performers place है actually. अब देखते हैं 1, 2, 3, 4 and 5. ये पांच रास्ते से light आती है इधर, so that performer can perform over here. भगवान के लिए या कुछ performance है center में perform करते हैं तो किसी angle से भी sunlight आएगी वो performer के ऊपर ज़रूर गिरेगी. So that's the beauty of this place. So guys, हम next side पे आए हैं. यहाँ पे कुछ Lotus Mahal नाम से जगह है. एंड अगर आपने म्यूज़ियम गए हो विज़िट, जो मैंने स्टार्टिंग तो ब्लॉग का जो फर्स्ट साइट था, अगर वहाँ जा चुके हो आप वही टिकट बताकर एंटर कर सकते हो. यू नीड नॉट नीड टू पे अगेन. ये प्लस पॉइंट है जो हमारे गाइड ने बताया है. सो यस, हम पहुँच चुके हैं लोटस महल पे, एलिफेंट स्टेबल एंड गंगा टेम्पल. ये देखो आ गए हाथियों के घर. एक कमरा एक हाथी का मेरे अनुमान से, क्योंकि बोर्ड पे तो वही लिखा है कि ये एलिफेंट स्टेबल है. उसका ज्ञात नहीं किया है, वहाँ पे जाके पढ़ना पड़ेगा. बट ये बहुत सही है ऐसे. तो अभी हाथियों के घर में घुस से गए. एक पता नहीं किस हाथी का होगा ये, बट हाँ यहाँ से रास्ता बना रखा है ताकि एक आदमी एक दो तीन चार, शायद एक आदमी या दो आदमी, चार हाथी का ध्यान रखा रखे. ये सही है. माने जा रहा हूँ बीच में लोग हैं. ओके बस मजा आया एक करके. राइट नाउ हम आए हुए हैं विरूपाक्ष टेम्पल एंड ये एंशिएंट हम्पी मार्केट है. आपको दिख रहा है, आप ऊपर पीछे दिख रहा है आपको. ये मार्केट उस टाइम में फर्स्ट फ्लोर भी था, ग्राउंड फ्लोर में था उस टाइम पे. ये मार्केट सेम यही मंदिर के बाहर लगता था. उस टाइम में भी फर्स्ट फ्लोर का मार्केट था. कहा जा सकता है कि उस ज़माने का मॉल है छोटा सा. दैट्स इट. अगर हम जाते हैं विरूपाक्ष मंदिर में. अभी मंदिर के जस्ट दर्शन करके पीछे आए. पीछे एक एरिया है जहाँ पे वो जो एंट्रेंस पे जो गर्भगृह दिखाते हैं, जो एंट्रेंस वाला जो बड़ा होता है
वो चीज़ यहाँ पे उल्टी दिख रही है बिना कोई लेंस, जस्ट एक होल में से उल्टी हो रही है इमेज। आई शो यू द इमेज, वो उल्टी कैसे हो रही है, बहुत लाइक प्रूवन नहीं है बिना लेंस से कैसे इमेज उल्टी हो जा रही है, एंड वॉल पे सब प्रिंट आ रहा है। सो आई शो यू दिस एंड मेरी फोन की बैटरी खत्म हो रही है, आई नीड टू बी फास्ट। इमेज उल्टी बन रही है एंड या कोई लेंस नहीं है, देयर इज नो लेंस। आई डोंट नो, इसका इंप्रेशन उल्टा आ रहा है, इसी का इंप्रेशन उल्टा आ रहा है, वही है।